Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you, you are very, very well and safe at your home. My dear, I welcome you all to this English class. And I know very well you were waiting for my English class, so I am here for you. I am your English teacher, Mansi Ma'am. So, let's start. सो माय डर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन अच्छा उससे पहले एक्टिविटी नंबर वन का जो थर्ड है बेटा आपको ये होमवर्क अपनी बुक में कर लेना है और सेंड नहीं करना इसको सेंड आपको आज करना है एक्टिविटी नंबर टू जो आप फिल करने जा रहे रिलेटिव हो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड वो होगी और ये फर्स्ट की जो थर्ड नंबर एक्सरसाइज रह गई इसको आप फिल करके अपने पास रख लेना जब मैं बोलूँ तब आप सेंड करना फिलहाल अभी तो रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ने जा रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज करेंगे मतलब एक्टिविटी नंबर टू करेंगे आज और वही एक्टिविटी नंबर टू आपका भी होमवर्क हो जाएगा ठीक है तो चलो पहले तो लुक एट दिस सेंटेंस एज गिंग बिलो दिस इज द बॉय समझ में आ गया दिस इज द बॉय ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना चाह रहे हैं इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना कि हम बताना क्या चाहते हैं दिस इज द बुक शी आफ मी टू रीड दिस बुक ठीक है तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है वो एक ही पहले नंबर पर आप चेक करो यहाँ पर देखो ये पूरे सेंटेंस में क्या कॉमन है बोलो क्या कॉमन है कि इन दोनों में ही आफ्टर स्टॉप और इसके बाद जो भी बात की गई है वो किसके बारे में बात की गई है बॉय के बारे में है ना यहाँ पर हम किसके तो बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में दिस इज द बॉय ही दॉय फर्स्ट इन द क्लास तो हम बात किसकी कर रहे हैं बॉय की तो आप भी हमको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है तो हमें वहाँ पर रिलेशन बताना पड़ेगा ना तो चलो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस सेंटेंस में हाउ कैन यू कम्बाइन दीस पेयर ऑफ सेंटेंसेस कैसे हम इसको लिख सकते हैं तो दिस इज द बॉय हु इस फर्स्ट इन द क्लास अभी हमने क्या किया कि बॉय की जगह हु लिख दिया हु का मतलब हुआ जो बेटा की तो कि हुक्का मतलब तो मैंने ये मैं अभी तक तो कौन सुना था अब तो मैं सोच रही हूँ कि पूछ रही आप बता रहे हो कि जो तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों हुक्का मतलब होता है। जो जो भी होता है हुक्का मतलब ठीक है तो अभी क्या करना है इसको हम दो सेंटेंस को दो सेंटेंस के जो ये पेयर था उसको हमने कैसे लिख दिया एक ही सेंटेंस में लिख लिया दिस इज़ द बॉय हु फर्स्ट इन द क्लास ओके ऐसे ही दूसरा सेंटेंस गया है दिस इज द बुक शी आस्ट मी टू रीड दिस बुक तो ये दो सेंटेंस थे जिसमें आपको एक पेयर मिला ठीक है अब इस पेयर को आप एक साथ कैसे लिख सकते हो तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अभी हमने इसे हु का ए, किया था तो वे दोनों एक वर्ड हो गए बॉय और ही को कॉम्बाइन करने के लिए हमने बॉय के बाद हु लिख दिया ही की जगह और फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी अब क्या है दिस इज द बुक विच नहीं दिस इज द बुच हाँ बुक विच यहाँ शी नहीं लिखेंगे क्योंकि बुक को हमें यहाँ पे इंडिकेट करना है विच मतलब बताती हूँ दिस इज द बुक विच शी आ रीड C, to okay. तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा कि दो बार दिस बुक यूज नहीं करना पड़ा ठीक है विच का मतलब जिसे ठीक है तो ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस को भी समझा है कि किस तरीके से बन सकते हैं पेरा हाँ सेंटेंस एक से तो बच्चों इन दिस सेंटेंस हु एंड विच प्रोनाउंस यहाँ पर हु और विच क्या है रिलेटिव प्रोनाउन जो अभी तक हमने पढ़ा है दे रिफर टू नाउन मेंशन बिफोर इट एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एग्जाम्पल इन देंटेंस हु रेफर टू द बॉय एंड विच रिफर टू द बुक हु किस को रिफर करा था बॉय को और विच किसको बुक uh, को तो यहाँ हु और विच क्या है रिलेटिव प्रोनाउन दे ज्वाइन टू सेंटेंसेस तो रिलेटिव प्रोनाउन की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे आर रिलेटिव प्रोनाउन एज द नेम सजेस्ट इन दर्ड दैट्स एंड रिफर्स टू अनदर नाउन और प्रोनाउन मैंशन बिफोर इन देंटेंस इट थिंक्स द इट लिंक्स द नाउन और प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो बच्चों आपको रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है अभी चलो हम लोग हु विच होम हुज और दैट ये क्या होते हैं कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन आपको पूछेगा कोई तो आप यही बोलोगे हु विच होम होज हु ट ठीक है तो ये टेबल है आपको बेटा ये टेबल याद करनी है हु और होम ओनली फॉर पर्सन पर्सन के लिए यूज करते हैं एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं और आप इसको रीड कर सकते हैं द बॉय हुम शी मेट वॉज एन एथलीट ठीक है विच विच किसके लिए यूज कर सकते हैं एनिमल थिंग्स एंड आइडियाज के लिए पीपल के लिए कभी भी नहीं यूज करेंगे which, विच विच किसके लिए यूज करेंगे एनिमल थिंग और आइडियाज के लिए हुज किसको हुज हमेशा पोजिशन शो करता है जिसका ठीक है पर्सन एनिमल्स थिंग एंड आइडियाज ये सभी के लिए यूज कर सकते हैं और दैट दैट सिर्फ एनिमल्स थिंग्स एंड आइडियाज के लिए यूज करेंगे दैट का यूज पर्सन के लिए नहीं होता है दिस इज द कैट दैट हैज बिन फॉलोइंग मी यह कैट है जो कि मुझे फॉलो करती रहती है ठीक है ओके बा बेटा नोट द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बेटा आप सोचोगे कि हु विच होम दैट ये सारे तो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इट मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आंस क्वेश्चन बट रिलेटिव प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट एंड ए प्रिफर अ प्रोनाउन ठीक है प्रीवियसली एंड एट द सेम टाइम इट जॉइन टू सेंटेंस तो बेटा इंट्रोगेटिव uh, हमेशा जो होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन आंस करते हैं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा नहीं करता है ठीक है तो ये हो गया आपका और आज के होमवर्क में आपको एक्टिविटी नंबर टू करनी है ठीक है जो कि मैंने अभी समझा दिया है पूरा और आप उसे अच्छे से कर सकते हो बेटा यहाँ पर आपको करेक्ट अंडरलाइन uh, करना है करेक्ट प्रोनाउन पर ठीक है जो भी आपका करेक्ट प्रोनाउन है वहाँ पर अंडरलाइन करना और मैंने भी आपको बताया कि दैट किसके साथ यूज़ होगा हु और हुज और हुम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं तो टेबल का इसमें हेल्प लीजिएगा टेबल बहुत ज़रूरी है इसमें आपको लर्न होनी चाहिए कंप्लीट द फॉलोइंग फॉलिंग सेंटर हु विच दैट अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम बिगिन फ्रॉम फ्राम बॉक्स गिविन बिलो जो कि नीचे दिया हुआ है ये आप अपने आप कर सकते हो ठीक है तो ये आपको एक्सरसाइज फिल करके भेजनी है ठीक है तो आप अपना पूरा पेशेंस यूज़ करिएगा और दिमाग लगाइएगा और अच्छा हाँ दूसरी बात बेटा अगर आपने पूरी वीडियो एक देख ली है तो आप अभी जाना और कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना नाम ज़रूर लिखना ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे टेक केयर ऑल ऑफ़ यू